हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग से मेरा काम स्टार्ट हो गया है और मॉर्निंग की झाड़ू लग गए हैं। झाड़ू लगा के मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और डस्टिंग तो रोज़ कर ही लेती हूँ मैं, क्योंकि हो ही जाता है। तो जितना हो सकता है मैं हल्का फुल्का डस्टिंग करती हूँ और फिर हफ्ते में एक दिन सारा को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। और रोज़ ऐसे हल्का हल्का डस्टिंग कर देती हूँ, सही रहता है। और हफ्ते में एक दिन अच्छी तरह धो दो, क्लीन कर दो, तो सही है। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अब मेरा इस कमरे का तो हो गया है और अब अंदर वाले कमरे का डस्टिंग करूँगी। बाहर वाले कमरे का हो गया, अंदर वाले कमरे का कर रही हूँ। तो ये सब अंदर वाले ड्रेसिंग टेबल की, ये मेरा बेड है शिराना उसके, तो ये सब मैं रोज़ कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में कितना भी जल्दी उठती हूँ फिर भी लेट हो जाता है। बहुत कितनी भी जल्दी उठती हूँ और मॉर्निंग में उठ के मेरे को ये सब काम करके ही नहाती हूँ। मॉर्निंग की उठ गई थी मैं आज शायद पौने छः बजे तक उठ गई थी, तब भी लेट हो जा रहा, क्या करूँ। फिर तो मेरा ये हो गया, पोछा लगा के मुझे उस कमरे में भी पोछा लगाना है। अभी हुआ नहीं तो यही बाहर का मतलब लगाना है, तो मैं नीचे डंडा लगा के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उसके नीचे मेरे हाथ भी नहीं जाते और मेरा थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए नीचे बैठ के नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए डंडे से लगाती हूँ। तो ऐसे ही फिर लगा के थोड़ा सा सही मतलब हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा ही जाता है। तो दोबारा एक बार मार देती हूँ, एक बार में होता नहीं है, तो दोबारा लगा के रख दिया। अब मैं जाऊँगी उस कमरे में लगाना है मुझे। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है सही से। तो यही सब काम करके जितना मतलब जल्दी सोचती हूँ उतना लेट हो जाते हैं, क्या करें। मॉर्निंग का मेरा नहीं, सबका ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है, सबकी जल्दी रहती है मॉर्निंग की। तो बस ये हो गया है, अब इस कमरे में पोछा लगाना है मुझे। पोछा लगा के उसके बाद मैं जाऊंगी, बाथरूम मुझे क्लीन करना है। तो चलिए बाथरूम में कि ये कमरे को पोछा लगा लेती हूँ, फिर बाथरूम को क्लीन करती हूँ। और मैं बाथरूम मतलब सब क्लीन करके फिर नहा के तब मैं आ पाती हूँ बाहर। तो चलिए
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे। और आज है ईद, तो सारे मेरा जो फ्रेंड्स है ईद जो बना रहे हैं उनको ईद मुबारक हो, सबको ईद की बधाई, ईद की शुभकामना। तो आप लोग सब ईद अच्छे से बनाना, खुशी से बनाना, तो यही प्रे करती भगवान से सबकी ईद अच्छा जाए। तो चलिए, और सभी बड़ों का मेरा प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो आज इतना जल्दी में हूँ कि मतलब सारा मॉर्निंग का काम तो हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब टाइम हो गया जल्दी भी 8:30 बज गए हैं, तो 8:30 के 8:25 हो रहे हैं, तो 8:30 ही। तो अभी चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी और फटाफट पहले खाना बनाऊँगी। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल सा बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल सा, बस फिश कड़ी बनाऊँगी और बेटी के लिए अंडे बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी और छोले हैं रात की, वो थोड़ा छोले हैं, थोड़ा खिचड़ी है, रात बनाई थी वो है, तो हो जाएगा। छोले से रोटी दे दूंगी और फिश रख दूंगी आज। मतलब सिंपल सा ही एक सब, मतलब दो सब्जी बना, ज़्यादा बनाना ही नहीं आज क्योंकि रह जाते हैं, तो मैंने सोचा आज इतना ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आज। तो मैंने फ़िश में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, तो फ़िश फ्राई कर लूँगी। और ये पहले दिन की फ़िश है मेरा, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसको सुबह मॉर्निंग में निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको नमक हल्दी तेल लगा के फ्राई कर लिया। अब इसको थोड़ा सा लाल लाल करके आज फ्राई कर रही हूँ, कभी थोड़ा सा लाल करती हूँ, कभी थोड़ा सा हल्का करती हूँ, तो आज ज़्यादा लाल करके कर रही हूँ क्योंकि आज इतना ही ऐसे ही मन कर रहा है। तो ये मेरा फ़िश फ्राई हो गया है सारा, और अभी मैं फ़िश को मतलब कलौंजी डाल के, कलौंजी डालूँगी इसमें और मसाला डाल दूँगी बस, और उसका हल्का सा सब्जी बनाऊँगी। तो यही मसाला डाल के सब्जी बना लूँगी, तो यही बस फ्राई करके मसाला को अच्छी तरह, उसके बाद बना लूँगी सब्जी। तो बना लेते हैं सब्जी। तो ये बन गए फिश का हल्का, मतलब हल्का सब्जी, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है और ऐसे हल्का ही है, तो ये बन गए। तो ये देखिए मेरा अभी किचन का हाल, तो ये रखा हुआ है यहाँ पे चावल और किचन का हाल, और यहाँ पे बर्तन का ढेर, पूरा बर्तन का ढेर। और मैं ये रात को बनाई थी जो खिचड़ी बतानी नहीं थी, तो वो खिचड़ी अभी मैं खाऊंगी और नाश्ते में, और इन लोगों को रोटी सब्जी बना के दे दिया, तो ये मैं खाऊंगी। इसके बाद क्लीन करूंगी क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए। और ये मेरा सारा किचन क्लीन हो गया है, पूरा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन धुल गया है, सब कुछ हो गए हैं, खाना यहाँ रखा हुआ है, इसमें चावल, इसमें बेटी के लिए अंडे की सब्जी, बर्तन धुल गए, सिंक साफ हो गए, तो हो गया मेरा काम। तो सारा काम करके आया, कपड़े अभी डालना बाकी है, तो अभी जाना है मुझे शॉप पे भी, तो मैं हाथ मुंह फटाफट धो के आ गई हूँ, और आके तो फिर मैं अब जा रही हूँ मैं शॉप पे, तो पहले कपड़े डाल दूँगी उसके बाद ही जाऊँगी, फिर मिलती हूँ। देखती हूँ कब कहाँ मिलती हूँ, मतलब किस समय, उतना नहीं टाइम बता पाऊँगी आज, देखते हैं कब मिलते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम हुआ है 3:10 कम, तो अब आई हूँ मैं शॉप से, अब खाऊँगी मैं खाना, अपना लंच कर लेती हूँ। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, और लंच में क्या है दिखा भी देती हूँ। और लंच में है ये फिश कड़ी, और ये एक प्याज, और पकोड़े और चावल, बस खाना खा के तो अभी आके बैठी हूँ। बर्तन वर्तन धो के, बर्तन तो ज़्यादा नहीं था, एक एक ही प्लेट और मेरा वही था, बेटी ने तो खा लिया था, उसने धो लिया था। और अभी खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, तो रेस्ट मेरा वीडियो को, जैसे सबका वीडियो देखना सब ये टाइम है, तो इस समय मैं वीडियो सबका देखूँगी थोड़ा सा,
क्योंकि खाना खाते खाते जितना टीवी देखना था वो तो देख लिया, अब टीवी नहीं देखूंगी, अब देखूंगी वीडियो देख के, उसके बाद टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा सोऊंगी, फिर मुझे जाना है। तो चलिए फिर देखते हैं शाम को कब मिल पाते हैं कब नहीं, है ना। ये लाई हूँ मैं कुम्भो साग, तो साग तो दिखा दिया और अभी बहुत सारा काम करना है मुझे, तो अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर दूँगी। सोच रही थी बड़ा होगा, नहीं हो पाया, तो जो जितना हुआ उतने ही। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना।